हेलो स्टूडेंट्स, आंशिक अवकलन से संबंधित हमने पिछले वीडियो में ये जाना कि किस प्रकार से दो चर की स्थिति में मैक्सिमा और मिनिमा का कैलकुलेशन किया जाता है। हमने उसमें कुछ सवाल भी किए थे, उसमें ये आया था कि डेल्टा इफ ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा निकालते कैसे, फंक्शन ऑफ एक्स एक्स डॉट फंक्शन ऑफ वाई वाई माइनस फंक्शन स्क्वायर एक्स वाई। अब इस डेल्टा का मान ग्रेटर देन जीरो होता है और फंक्शन एक्स एक्स लेस देन जीरो होता है, फंक्शन वाई वाई लेस देन जीरो होता है, तो फलन मैक्सिमा होगा। और अगर फंक्शन ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, फंक्शन ऑफ वाई वाई ग्रेटर देन जीरो होता है, तो मिनिमा होगा। ये हमने पिछले वीडियो में जाना था कि किस प्रकार से दो चर फलनों में मैक्सिमा और मिनिमा का कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद हमने एक सवाल भी देखा था जिसके माध्यम से हमने मैक्सिमा और मिनिमा का कैलकुलेशन किया था। इसी क्रम में आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि अगर अधिकतम लाभ वाली मात्रा निकालनी हो और फलन दो हो, जैसे लेबर और कैपिटल दो फलन दे रखा है, यानी जो उत्पादन फलन दे रखा है वह श्रम और पूंजी का दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से मैक्सिमा और मिनिमा दो चर फलन में कर सकते हैं। मैं एक सवाल लेता हूं, मान लीजिए क्यू बराबर दे रखा है 3LK प्लस 3L माइनस के स्क्वायर माइनस 3L स्क्वायर प्लस 35, जहां L बराबर श्रम है, K बराबर पूंजी है, तो L व K की किस मात्रा के लिए मात्रा पर उत्पादन अधिकतम होगा। मान लो ये पूछ लिया, एक फर्म का फलन दे रखा है क्यू इजकल टू 3LK प्लस 3L माइनस के स्क्वायर माइनस 3L स्क्वायर प्लस 35 दे रखा है, और इसमें ये पूछा गया है कि श्रम और पूंजी की किस मात्रा के लिए फलन का लाभ अधिकतम होगा या उत्पादन अधिकतम होगा। तो अधिकतम उत्पादन ज्ञात करने के लिए हम L और पूंजी की मात्रा निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। डेल क्यू बाई डेल एल, एल के सापेक्ष अवकलन क्या है, तो 3K प्लस 3 माइनस 6L इजिकल टू 0। क्या किया मैंने, एल के सापेक्ष अवकलन किया तो आया 3LK का वन हो गया तो 3K बचा, सॉरी इस L का वन हो गया तो 3K, फिर इसका 3 माइनस 6L, और मैं ये पहला समीकरण हो गया। डेल क्यू बाई डेल के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो आएगा 3L माइनस 2K इजिकल टू 0, समीकरण दो। दोनों समीकरण को हल करते हैं तो पहला समीकरण है 3K माइनस 6L इजिकल टू 3, उधर जाएगा तो माइनस, देखिए ये 3K ये 6L माइनस का 3। अब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा माइनस का 2K प्लस का 6L इजिकल टू 0। क्या किया मैंने, 2K का 2 से गुणा करके यहां लिख दिया तो ये 4K हो जाएगा, 2 से गुणा किया तो ये 2K का हो जाएगा 4K, और 3L को 2 से गुणा किया तो 6L हो गया। अब देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं तो प्लस माइनस कट गया, तो माइनस का K बराबर माइनस का 3, तो K का मान आ गया 3। K का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, 1 में रखने पर तो ये आ जाएगा 3 गुणा 3 प्लस 3 माइनस 6L इजिकल टू 0, तो 9 प्लस 6 बराबर 6L, या 6L बराबर 9 प्लस 3 12, L बराबर आ गया 2। या हम दूसरे में रखते K का मान 3, तो 3L माइनस 2 गुणा 3 बराबर 0, तो 3L बराबर 6, L बराबर यहां पे भी 2 आता, चाहे पहले समीकरण में रखिए चाहे दूसरे समीकरण में रखिए। तो हमारे यहां रिजल्ट आया K का मान आया 3, L का मान आया 2। अब इस उत्पादन पर अगर इसका मतलब है कि श्रम की मात्रा 2 ली जाए और पूंजी की मात्रा कितनी ली जाए, 3 ली जाए, तो उत्पादन अधिकतम होगा। अब अधिकतम होगा इसके लिए हम दो चर फलनों में मैक्सिमा मिनिमा का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो डेल स्क्वायर क्यू बाई डेल एल स्क्वायर, इसका एल के सापेक्ष अवकलन है माइनस 6। डेल स्क्वायर क्यू बाई डेल के स्क्वायर, इसका के आया माइनस 2।
डेल स्क्वायर क्यू बाई डेल एल डेल के, इसका के के सापेक्ष अवकलन 3, या डेल क्यू स्क्वायर बाई डेल के डेल एल, ये भी आएगा 3। तो देखिए डेल्टा बराबर होता है फंक्शन ऑफ एल एल गुणा फंक्शन ऑफ के के माइनस फंक्शन स्क्वायर एल के। तो डेल्टा बराबर होगा माइनस का 6 गुणा माइनस 2 माइनस 3 गुणा 3, तो आएगा 12 माइनस 3 दैट इज 12 माइनस 9 दैट इज 3 ग्रेटर देन 0। तो अब क्या है, चूंकि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन ऑफ एक्स एक्स इज माइनस 6 लेस देन 0 फंक्शन ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू माइनस 2 दैट इज लेस देन 0, अतः एल बराबर 2 के बराबर 3 पर फलन का उत्पादन अधिकतम होगा, क्योंकि नेगेटिव है ना। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, जो अधिकतम की प्रॉब्लम आती है तो आप उसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो ये चीज हमने पहले भी एक सवाल किया था, ये हमने दूसरा सवाल किया जिसमें ये बताया कि किस प्रकार से दो चर फलन होते हैं तो उसमें आप मैक्सिमा और मिनिमा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम और सवाल इस वीडियो में लेंगे जिसके माध्यम से हम अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस हमें हो जाए कि किस प्रकार से दो चर फलन है तो हम मैक्सिमा और मिनिमा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, q इज इक्वल टू एल रेस्ट पावर 2 के रेस्ट पावर 2, ये कार्ल डगलस का उत्पादन फलन दे रखा है। इसमें दे रखा है प्राइस ऑफ k बराबर दे रखा है 2, प्राइस ऑफ लेबर दे रखी है 4 और टोटल कॉस्ट दे रखी है 80। तो l व k की किस मात्रा के लिए फलन का लाभ के लिए फलन का उत्पादन अधिकतम होगा, उत्पादन अधिकतम होगा, यह सवाल आया है। क्या है, उत्पादन फलन दे रखा है q बराबर l रेस्ट पावर हाफ k रेस्ट पावर हाफ, प्राइस ऑफ कैपिटल दे रखी 2 रुपीज, प्राइस ऑफ लेबर दे रखी 4 रुपीज और टोटल कॉस्ट दे रखी 80 रुपीज। तो यह पूछा गया कि l और k की किस मात्रा के लिए फर्म का उत्पादन अधिकतम होगा और उत्पादन अधिकतम उत्पादन कितना होगा, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए टोटल कॉस्ट बराबर होता है प्राइस ऑफ लेबर गुणा लेबर प्लस प्राइस ऑफ कैपिटल गुणा कैपिटल। तो टोटल कॉस्ट 80 बराबर आया 4L प्लस 2K, या हम लिख सकते हैं 4L प्लस 2K माइनस 80 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बजट फलन है। क्या किया, ये हमारा टोटल कॉस्ट बराबर होता है प्राइस ऑफ लेबर गुणा लेबर प्लस प्राइस ऑफ कैपिटल गुणा कैपिटल। प्राइस ऑफ लेबर 4 रुपीज दे रखा था, 4 गुणा एल, प्राइस ऑफ कैपिटल 2 रुपीज दे रखा था, 2 गुणा एल बराबर दे रखा है कुल लागत 80 के बराबर। तो 80 बराबर होगी, बराबर गया 4L प्लस 2K, या हम लिख सकते हैं 4L प्लस 2K माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब देखिए लैग्रेंज फलन लगाएं, तो लैग्रेंज फलन में क्या होता है, z बराबर उत्पादन फलन प्लस लैम्ब्डा गुना बजट प्रतिबंध, ये लैग्रेंज फलन है। लैग्रेंज फलन, इसको लिख देता हूं मैं, लैग्रेंज फलन का प्रयोग करने पर। तो ये देखिए हम लिखेंगे z बराबर l रेस्ट पावर हाफ k रेस्ट पावर हाफ प्लस लैम्ब्डा 4L प्लस 2K माइनस 80, अभी हमने निकाला था। डेल Z बाई डेल L के सापेक्ष अवकलन करें तो 1 बाई 2 L की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 K की पावर 1 बाई 2 प्लस 4 लैम्ब्डा बराबर 0 समीकरण 1। डेल Z बाई डेल K के सापेक्ष अवकलन करें तो 1 बाई 2 L की पावर आधा रहेगा, k की पावर आधा माइनस 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 समीकरण 2। क्या किया हमने, या l के सापेक्ष अवकलन किया तो घात आ गई, घात में से घटाया, या k के सापेक्ष किया तो घात आ गई, घात में से घटाया, और डेल z बाय डेल लैम्ब्डा, लैम्ब्डा के सापेक्ष करेंगे तो आएगा 4l प्लस 2k माइनस 80 इज इक्वल टू 0 समीकरण 3।
तो ये लाग्रांजियन फलन का प्रयोग करके हमने पहला अवकलन किया। तो देखिए इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 1/2 के आधा ऊपर है नीचे एल बराबर माइनस का 4 लैम्डा। इसको लिखे तो आएगा 1/2 एल ऊपर आएगा के नीचे आएगा बराबर माइनस का 2 लैम्डा। ये समीकरण एक लिखा है, समीकरण दो लिखा। इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे तो एक डिवाइडेड बाय दो करें तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ऊपर हो जाके के बटे एल बराबर 4/2 या लिख सकते हैं के बटे एल बराबर 2 या के बराबर 2 एल। ये हमारा मान है के बराबर 2 एल। यहां रखने समीकरण 3 में के का मान रखने पर तो आ जाएगा 4L प्लस 2 × 2L इजिकल टू 80, या लिख सकते हैं 8L इजिकल टू 80। तो L का मान आ गया 10 और K का मान क्या गया 20, क्योंकि L बराबर K बराबर 2L है। L का मान 10 आया, देखिए L बराबर 80/8 दैट इज 10, तो K का मान आ जाएगा 20। तो हमारे पास दो मान आ गए, L का मान आ गया 10 और K का मान आ गया 20। लैग्रांज फलन हमेशा ये बजट प्रतिबंध को बताता है, तो ये उत्पादन अधिकतम को ही बताता है। अब अधिकतम कितना उत्पादन होगा इसका कैलकुलेशन करें, अधिकतम उत्पादन की मात्रा कितनी होगी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो Q बराबर दे रखा है L रेस्ट टू पावर हाफ K रेस्ट टू पावर हाफ, तो Q बराबर हो जाएगा 10^2 20 की पावर आधा, या हम Q लिख सकते हैं 10 × 20 आधा पावर को रूट में लिख दिया तो Q बराबर हो गया 100 × 2 200। तो Q बराबर मैं लिख सकता हूं 10 बाहर आ गया रूट 2, ये क्वांटिटी का मान आ गया 10√2। इस प्रकार से यदि कोई फलन हमें दे रखा है तो हम लैग्रांज फलन के माध्यम से भी अधिकतम उत्पादन वाली मात्रा निकाल सकते हैं। यहां देखिए अधिकतम उत्पादन की मात्रा में लेबर को जो यूज करना पड़ेगा वो 10 यूज करना पड़ेगा और मशीन 20 काम में लेनी पड़ेगी, तो एक फल जो फर्म है उसका उत्पादन इसमें क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। इस प्रकार से हम लैग्रांज फलन का प्रयोग करके भी उत्पादन की मात्रा निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन में जो ले रहा हूं कई बार आया है, Q बराबर है 18 x^(x1^2, x^(x2^1) और x^(x3^0.7 हो, जहां मान लीजिए x1 तो है श्रम, x2 दे रखा है पूंजी, x3 दे रखा है भूमि। देखिए उत्पादन में तीन साधन काम में आते हैं, भूमि को काम में लिया जाता है, श्रम को काम में लिया जाता है और पूंजी को काम में लिया जाता है, और टोटल प्रोडक्शन जो आता है वो आता है 9 करोड़ रुपए का। तो प्रत्येक साधन को कितना प्रतिफल प्राप्त होगा, तो देखिए x1 को मिलने वाला प्रतिफल x1 को प्रतिफल निकालेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ x1 × x1 की मात्रा। तो देखिए क्या करेंगे, या हम लिख सकते हैं del Q by del x1 × x1। तो देखिए x1 को कितना प्रतिफल मिलेगा, 0.2 आ गया, 18 x1 की घात 0.2 में से एक गया, x2 की घात 0.1, x3 की घात 0.7। तो ये आया 0.2 मल्टीप्लाई 18 x1 की घात माइनस का 0.8, x2 की घात 0.1, x3 की घात 0.7। क्या किया, x1 के सापेक्ष अवकलन किया था तो घात आगे ले ली, घात में से एक घटाया। अब मिलने वाला कुल प्रतिफल होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ x1 × x1। तो 0.2 18 x1 की पावर माइनस का 0.8, x2 की पावर 0.1, x3 की पावर 0.7, इसमें गुणा हो गया x1।
एक्स वन इसमें आके जुड़ेगा तो आया 0.2 18 एक्स वन की घात माइनस का 0.8 में एक आके जुड़ जाएगा, एक्स टू की घात 0.1 एक्स थ्री की घात 0.7, तो ये आपका हो जाएगा 0.2 18 एक्स वन की घात 0.2 एक्स टू की घात 0.1 एक्स थ्री की घात 0.7 ये हम लिखेंगे 0.2 क्यू। तो पहले साधन को मिलने वाला प्रतिफल है 0.2 क्यू और 9 करोड़ का है तो मिलेगा 0.2 गुणा 9 यानी पहले वाले को कितना मिलने वाला है 1.8 करोड़ रुपया मिलने वाला है। अब अगर हम दूसरे साधन को मिलने वाला प्रतिफल देखें तो x2 को मिलने वाला प्रतिफल देखेंगे किस, अब अभी इजी कर लेंगे हम, पहले वाले को थोड़ा मैंने खोल के किया था। x2 को मिलने वाला प्रतिफल बराबर डी क्यू बाई डी एक्स टू गुणा एक्स टू, सीधा सीधा इसका x2 के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 18 x1 0.2 ये 0.1 आ गया या x2 0.1 में से एक गया, x3 की घात 0.7 और इस पूरे के साथ गुणा हो रहा है x2 तो ये आया 0.1 आगे ले लिया। 18 x1 की घात 0.2 x2 की घात माइनस का 0.9 बचा, उधर से एक और जुड़ गया x3 की घात 0.7 तो 0.1 18 x1 की घात 0.2 x2 की घात 0.1 बच गया, 1 में से 0.9 गया तो, और x3 की घात 0.7 तो आया 0.1 क्यू और कुल उत्पादन 9 करोड़ का है तो 0.1 मल्टीप्लाई 9 करोड़ दैट इज 0.9 करोड़ इसको मिलेगा। x3 को जो मिलने वाला प्रतिफल है इसी प्रकार से हमको x3 का प्रतिफल निकालेंगे तो बहुत सामान्य सी बात है, हमको x3 का प्रतिफल निकालना है तो क्या करना है, x3 को मिलने वाला प्रतिफल क्या करेंगे, डेल q बाय डेल x3 को x3 से गुणा करेंगे, इसकी सीमांत उत्पादकता और x3 की मात्रा, तो x3 के सापेक्ष अवकलन करना है तो 18 x1 की घात 0.2 यू का ही रहेगा, x2 की घात 0.1 यू का ही रहेगा, ये 0.7 आ गया या, और x3 में से 0.7 में से एक गया तो बचा माइनस का 0.3 गुणा x3 तो है 0.7 18 x1 की घात 0.2 x2 की घात 0.1 x3 की घात माइनस का 0.3 में वापस एक जुड़ जाएगा तो 0.7 18 x1 की घात 0.2 हुआ, x2 की घात 0.1 हुआ, x3 की घात माइनस 0.7 हुआ, इस पूरे का मान q तो 0.7 q और q का मान 9 करोड़ दे रखा है तो आएगा 0.7 गुणा 9 करोड़ बराबर थर्ड को मिलेगा 6.3 करोड़ यानी भूमि को कुल कितना मिलने वाला है 6.3 करोड़ रुपए मिलने वाला है। इस प्रकार से यदि कुल उत्पादन दे रखा हो तो हम प्रत्येक साधन को कितना कितना मिलेगा इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता को उस साधन की मात्रा से गुणा कर देंगे और टोटल उत्पादन को उससे गुणा कर देंगे तो हमें प्रत्येक साधन का प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। ये सवाल कई बार विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछा गया था इसीलिए इस सवाल को इस वीडियो में शामिल किया गया। आगे एक लास्ट में सवाल ले रहा हूं जो थोड़ा सा दिखने में टफ लगता है इस पर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी से उस सवाल को भी हम कल हल कर पाएंगे, थोड़ा सा टिपिकल है सवाल तो इसी वजह से मैंने उसको इसको शामिल किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किसी भी प्रकार का कोई सवाल आए तो आप कर पाएंगे। यहां देखिए देख रहा है अगला सवाल, एक्स बराबर दे रखा है 72 माइनस 1 बाई 2 पी एक्स, y बराबर दे रखा है 120 माइनस पी वाई, टोटल कोस्ट दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 35 और संयुक्त उत्पादन दे रखा है एक्स प्लस वाई इजकल टू 40। तो पूछा क्या है x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, प्राइस ऑफ x क्या होगी, प्राइस ऑफ y क्या होगी और लाभ कितना होगा। ये देखो काफी चीजें इस सवाल में पूछी गई है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए
x बराबर है 72 माइनस 1 बाई 2 पी एक्स। मैं 1 बाई 2 पी एक्स को इधर लाता हूं तो आएगा 72 माइनस x। पी एक्स बराबर 72 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 एक्स, ये 2 उधर जाकर गुणा हो जाएगा तो पी एक्स बराबर हो गया 144 माइनस 2 एक्स। टोटल रेवेन्यू ऑफ बराबर पी एक्स गुणा एक्स, तो टोटल रेवेन्यू 1 हो जाएगा 144 माइनस 2 एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा 144 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो टोटल रेवेन्यू 1 आ गया 144 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर। क्या किया, 1 बाई 2 को इधर लाए, ये 72 माइनस एक्स हो गया, फिर 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 144 माइनस 2 एक्स हो गया, टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस गुणा एक्स, तो यहां इसमें एक्स का गुणा कर दिया। दूसरा निकालते हैं, दूसरा दे रखा है y बराबर 120 माइनस py, तो py बराबर हो गया 120 माइनस y। टोटल रेवेन्यू 2 बराबर py को y से गुणा करेंगे तो टोटल रेवेन्यू दूसरे मार्केट का आ गया 120 y माइनस y स्क्वायर। तो टोटल रेवेन्यू 2 आ गया 120 y माइनस y स्क्वायर। ये दोनों का निकाल लिया। लाभ बराबर होता है टोटल रेवेन्यू 1 प्लस टोटल रेवेन्यू 2 माइनस टोटल कॉस्ट। तो यहां देखिए पाई बराबर आपका हो गया 144x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 120y माइनस y स्क्वायर माइनस टोटल कॉस्ट को घटाएंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर माइनस 35। तो ये आपका हो गया 144x, 2x में एक और x जुड़ जाएगा तो आएगा माइनस का 3x स्क्वायर। y स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस 120y माइनस xy माइनस 35, ये इसको हमने सेट कर दिया। तो ये आया 144x, 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जोड़ा तो 3x स्क्वायर। अब इसमें देखो x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और xy भी आ रहा है, फिर तो हम सामान्य रूप से करेंगे तो इसमें हमको निकालना मुश्किल रहेगा, तो हम इसमें लैग्रेंज फलन यूज करते हैं क्योंकि हमें संयुक्त उत्पादन दे रखा है x प्लस y इजिकल टू 40। तो लैग्रेंज फलन इसी काम में आता है कि जहां आपको लगता है कि समीकरण सोल्व करने में प्रॉब्लम है तो हम उसको यूज करेंगे। तो लिखेंगे लैग्रेंज फलन का प्रयोग करने पर, तो देखिए z बराबर 144x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 120y माइनस xy माइनस 35 प्लस था माइनस हो गया, ठीक है, प्लस लैम्डा x प्लस y माइनस 40 इजिकल टू 0। लैम्डा जिस फलन में ये अपने को दे रखा था x प्लस y इजिकल टू 40, तो x प्लस y माइनस 40 क्या हो जाएगा 0। डेल z बाय डेल x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ गया 144 माइनस 6x, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, इसमें x है तो इसका हो गया y प्लस लैम्डा इजिकल टू 0। ये देखिए ये लैम्डा x है ना, तो लैम्डा डेल z बाय डेल y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये आएगा माइनस का 4y प्लस 120y माइनस एक्स प्लस लेमडा इजिकल टू 0, ये समीकरण दो। और डेल जेड बाई डेल लेमडा के सापेक्ष अवकलन करें तो आएगा एक्स प्लस वाई माइनस 40 इजिकल टू 0, ये समीकरण तीन। अब तीन समीकरण है, इन तीन समीकरण को हल करके हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। तो यहां देखिए हम निकालते हैं, तीनों समीकरण को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला है 144 माइनस 6x माइनस y बराबर माइनस का लैम्डा, यहां लिखते हैं माइनस का x
माइनस का 4y 120 प्लस का बराबर माइनस का लैम्डा। समीकरण एक और समीकरण दो को सेट किया तो क्या किया मैंने, देखो 144 माइनस 6x माइनस y लैम्डा उधर जाकर माइनस का हो गया। अब मैंने क्या 120 ये वाला यहां देखिए 120 y नहीं आएगा, यहां अवकलन करेंगे तो y का ही हो जाएगा, तो 120 मैंने लिख दिया 100 माइनस x x के नीचे लिख दिया और 4y माइनस का तो माइनस के साथ में लिख दिया। कंपैरिजन किया, साइन चेंज किया तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो कट गया। तो यहां आया 24 माइनस 5x प्लस 3y, यहां हम लिख सकते हैं माइनस का 5x प्लस का 3y। ओके, तो हम लिख सकते हैं 24 बराबर 5x माइनस 3y या 5x माइनस 3y बराबर 24। ये समीकरण 4 आ गया। इस समीकरण को मैं 5 से गुणा कर दूं या 3 से गुणा कर दूं तो आएगा 3x प्लस 3y 40 का हो जाएगा 120। कट गया तो ये 8x बराबर 120 से 24 घटा देते हैं, 120 माइनस 24 दैट इज 96। x का कि यहां 8x बराबर आ गया 1644, तो x का मान आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 18। तो x का मान आ रहा है, यही गड़बड़ हो रही थी, 18। y का मान यहां रखें, x का मान यहां रख दें तो हमारा ये हो जाएगा 18 प्लस y इजिकल टू 40। तो y हमारा जगह 40 माइनस 18, तो y का मान आ जाएगा 22। तो देखिए सारी चीज आ चुकी है, हाँ, तो x का मान 18 आ गया, y का मान 22 आ गया। x का मान 18, y का मान 22। प्राइस ऑफ x निकालना है तो आएगा 144 माइनस 2 प्राइस ऑफ x, ये हमारा आया था px बराबर 144 माइनस 2x, तो आएगा 144 माइनस 2 गुणा 18, तो px आ जाएगा 144 से 36 घटाएंगे तो ये आ गया px 108। py निकालना है तो आया 120 माइनस y, तो py आ जाएगा आपका 120 माइनस 22, तो यह आ जाएगा py इजिकल टू 98। और लाभ निकालना है तो लाभ निकालने के लिए हमने जो एक कैलकुलेशन की थी, पाई बराबर 144x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 120y माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस xy माइनस y स्क्वायर माइनस 35। इसमें x की जगह आप 18 रख दीजिए और y की जगह 22 रख दीजिए, तो आपको लाभ जो पाई का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2861। आप कैलकुलेट करके देख लेना, काफी लेंदी हो जाएगा अगर मैं यहां करूंगा तो इस प्रकार से दो चर फलन होते हैं तो उसमें मैक्सिमा और मिनिमा का कैलकुलेशन आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।